एक बड़ी खबर, फर्स्ट इंडिया की खबर, यानी कि कंफर्म होगा असर। भीलवाड़ा में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का मामला, और अब नहीं लगेगी अवैध खनन रोकने में शिक्षकों की ड्यूटी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दरअसल प्रमुखता से इस खबर को उजागर किया था फर्स्ट इंडिया न्यूज ने। अब खबर का असर भी हो गया है। कलेक्टर राजेंद्र भट्ट के निर्देश पर यह आदेश हुआ वापस, और एसडीएम ने लगा दी थी शिक्षकों की ड्यूटी। और इस खबर को प्रमुखता से फर्स्ट इंडिया न्यूज ने दिखाया था, जिसके बाद शिक्षक संघ की तरफ से नाराजगी भी जाहिर की गई थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वो आदेश की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं, जो कि अब वापस हो चुका है। भीलवाड़ा में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला था, और अब जानकारी यह सामने आ रही है, कन्फर्म खबर है कि अब अवैध खनन रोकने में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि आदेश को वापस ले लिया गया है। दबाव था शिक्षक संघ का, नाराजगी भी जाहिर की गई थी, लेकिन अब इस खबर का असर भी हुआ। तो ऐसे ही आपको याद होगा कि मनोरंजन से जुड़ा हुआ आदेश भी पहले निकाला गया था, और उस पर भी जब बहुत ज्यादा विरोध हुआ तब वापस ले लिया गया था। इस खबर को फर्स्ट इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद असर भी हो गया है। और इस वक्त हमारे साथ भीलवाड़ा के कलेक्टर राजेंद्र भट्ट जी जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी, जो आदेश पहले निकाला गया था कि शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी अवैध खनन रोकने में, वो वापस हो चुका है पूरी तरीके से? पहली बात तो शिक्षकों की ड्यूटी अवैध खनन के लिए नहीं लगाई गई थी, और ये एसडीएम साहब ने उनकी ड्यूटी कोविड-19 के जो ट्रकों में और ट्रैक्टर्स में लोग छुप कर आ रहे थे उनके लिए लगाई गई थी। पर शिक्षकों की वहां भी ड्यूटी हटाने के लिए उनको बोल दिया गया है, ताकि वो वहां से शिक्षक अभी पढ़ाने का कार्य करेंगे, एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उनको उन्होंने अपने स्तर पे जो कलेक्टर के निर्देशानुसार जो लिख के एक आदेश निकाला था उनको वापस निर्देश दें, आदेश वापस लीजिए, शिक्षकों की ड्यूटी इसमें नहीं लगेगी। और अगर आपको ट्रक्स और उनकी चेकिंग करानी है कि उनमें छुपकर लोग बाहर से तो नहीं आ रहे, तो उसमें पटवारी, तहसीलदार, रेवेन्यू के लोग। लेकिन आदेश जो आया था उसमें तो यही दिखा गया था कि ड्यूटी अवैध खनन में लगा दी गई। बजरी नाम की कोई चीज नहीं है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए जो उन्होंने, पर वो भी उसमें भी ड्यूटी लगाने का आदेश शिक्षकों का नहीं कहीं दिया गया है, उन्होंने अपने स्तर से वहां पर ये आदेश जारी किया है, जिसको वापस उन्हें लेने के लिए कि शिक्षक अपना शिक्षा का कार्य करेंगे और रेवेन्यू की टीम ये कार्य देखेगी। लेकिन सर, इस तरीके के आदेश निकालने की जरूरत क्यों आन पड़ती है? इससे पहले भी मनोरंजन से जुड़ा हुआ एक आदेश निकाला था, वो वापस लेना पड़ा, तो ये तो चीज समझनी चाहिए ना, जो जिस काम के लिए बना होगा वो वही ड्यूटी करेगा, वो उसी काम के लिए रहेगा। अगर एसडीओ ने अपने स्तर से कोई गलत आदेश निकाला है तो उसको वापस लिया जाएगा, और उससे भी स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो आपको बता दें कि इस खबर का असर भी हो गया है, और हमारे साथ हमारे सहयोगी भारत दीक्षित भी जुड़े हुए हैं। भारत, अभी हमारी कलेक्टर से भी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि इस तरीके का कोई आदेश था ही नहीं, बल्कि हमने उनसे खुद इस चीज के बारे में जानना चाहा, तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा आदेश निकला भी था तो निरस्त हो चुका है, ड्यूटी कोविड सेंटर के लिए लगाई गई थी, ऐसा कोई आदेश था ही नहीं। देखिए दिव्या, अब आखिरकार प्रशासन ने अपनी जो गलती है वो यहाँ पर मान ली है, क्योंकि जिस प्रकार से ये आदेश है वो आनंद फानंद में निकाला गया, कलेक्टर, जिला कलेक्टर, उसमें साफ आदेश में लिखा हुआ, आप देखिए आदेश में जिन शिक्षकों की ड्यूटी लगी शिक्षकों के नाम है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि आखिरकार शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी। जितने भी आप इस आदेश में आप नाम देख रहे हैं, हमारे दर्शक जो नाम देख रहे हैं, ये सारे शिक्षक है। अगर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई तो फिर शिक्षकों के नाम इस आदेश इस लिस्ट में क्यों निकाले, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, प्रशासन कहीं ना कहीं अब अपनी बचाव को देखते हुए इस तरह की बातें वो यहाँ पर कर रहा, हालांकि जिला कलेक्टर महोदय ने तुरंत इस प्रभाव को आदेश वापस लेने के लिए जो एसडीएम है जाजपुर को, उनको यहाँ पर बोल दिया, और फर्स्ट इंडिया की खबर का असर एक बार फिर हुआ है। दो दिन पहले हमने करौली की तरफ से जो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उन्होंने भी इस तरह के आदेश निकाले थे, उसके बाद जैसे ही हमने खबर चली उसके बाद तुरंत ये आदेश है वो वापस हुए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने गलती मानते हुए अब जो आदेश है उनको वापस की बात है यहाँ पर कही है। जी बिल्कुल, और भारत ही हमारे पास खुद वो डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं जहाँ शिक्षकों के नाम खुद मेंशन हो रहे हैं, सारी चीजें उन्हें बताई जा रही है कि किसकी ड्यूटी कहाँ पर है, किस चेक पोस्ट पर रहेगी, लेकिन फिर भी ये विरोधाभास क्यों? प्रशासन कुछ और कह रहा है, शिक्षक संघ कुछ और कह रहा है, आदेश कुछ और कह रहे हैं। देखिए जिस प्रकार से जिला कलेक्टर महोदय ने जो निर्देश यहाँ पर दिए थे, उन्होंने ये निर्देश दिया कि जो अवैध जो खनन हो रहा है उसको परिवहन की रोकने के लिए शिक्षकों की यहाँ पर रोकने के लिए ड्यूटी लगाई जाए, जबकि एसडीएम ने खुद शिक्षकों की ड्यूटी यहाँ पर लगाई है, उसमें ये अंकित है, पूरा शिक्षक लिखा हुआ है। हालांकि जिला कलेक्टर का आदेश कुछ अलग था, लेकिन एसडीएम का जिस प्रकार से आदेश है इसमें जो पूरी भूमिका है वो एसडीएम की यहाँ पर सामने आ रही है कि जिस प्रकार का जो शिक्षकों की ड्यूटी है वो उनके आदेश के बाद यहाँ पर लगी है, जैसा कि अभी कलेक्टर महोदय भी इस आदेश में कह रहे थे। जी दिव्या बिल्कुल, यानी कि अब कलेक्टर ने आदेश को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया है, कन्फर्म खबर माने भारत।
जी बिल्कुल, अभी कुछ देर में ये आदेश है वो यहाँ पर जारी हो जाएंगे। कलेक्टर महोदय ने अभी हमसे खुद फोनों पर जुड़कर ये बात कही थी कि मैंने एसडीएम को निर्देश यहाँ पर दिए हैं कि इसमें शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाई जाए। अगर वाहन की किसी की अवैध अगर ऐसी सूचना आ रही है, परिवहन की है, तो वो राजस्व अधिकारी को यहाँ पर लगाया जाए, पटवारी को यहाँ लगाया जाए, लेकिन शिक्षकों का जो काम है, जैसे कि कलेक्टर महोदय कह रहे थे कि शिक्षकों का काम सिर्फ शिक्षा देना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जी बिल्कुल। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका भारत दीक्षित।